नमस्कार, केडीवर्ट में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कमलेश देवराड़ी कमल देवभूमि उत्तराखंड से। इस नई वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आज आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो ये देखिए, आज है छुट्टी, संडे के दिन, और आद्या सुई है काफ़ी लेट तक। वैसे आद्या सुबह 6 बजे तैयार हो जाती है स्कूल के लिए। हार्दिक, अरे प्रूफ उठने दी यस तय कार्टून देखने में ना, ऐसे रोज नहीं देखती है लेकिन आज मैंने ही छूट दे दी। भाई जी, क्या हाल है? कौन सी वाली चाय पी रहे हो? दिखाओ, दूध वाली चाय, ब्लैक टी पिया करो यार। बाहर भी ना पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, एकदम रायता फैल गया है। तो भाई लोगों, बाहर ना काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, पूरी रात भर बारिश रही, कल पूरे दिन बारिश रही और अभी भी लगातार बारिश हो रही है। देखिए बाहर की तरफ, ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र देवता बहुत नाराज चल रहे हो हम सबसे और काफ़ी तेज़ बारिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जो मानसून है ना, वो अपना रास्ता भूल गया, उसे जाना था कहीं और फिर लौट करके वापस उत्तराखंड में ही आ गया है। तो काफ़ी मुसीबतें होने वाली हैं दिन भर, और इससे हो क्या रहा है कि हम सब लोगों को ना काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग उत्तराखंड में हैं, ये सबके साथ है, उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं जिन्होंने गाय बच्चियाँ रखी हैं उनको अभी चारे के प्रबंध करने के लिए ऐसे मौसम में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों ने अपने खेतों में काम करना था वो खेतों के काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि मौसम ख़राब है। तो सुबह से ही आज कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हैं। देखो भी ना काफ़ी तेज़ बुखार आया है, तो आद्या के लिए दवाइयाँ लेकर आए हैं। अब आद्या करेगी ब्रेकफास्ट और फिर खाएगी दवाइयाँ। दीदी नहीं आई बिकुरार से? अरे यार, काफ़ी बारिश हो गई है बाहर, तो मोनिका भी कुराड़ गई थी अपने ताई लोगों के वहाँ, तो वहाँ से आ नहीं पा रही अभी क्योंकि बारिश बहुत तेज है बाहर। बची है, सारी खत्म हो गई, अब बस ये तीन दवाई खाऊंगी, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो आप ठीक भी तो हो जाओगे। हाँ, तब तक आप भी ठीक हो जाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ब्रेकफास्ट करने चलो, चलो फटाफट। तो देखिए, मोहित की मम्मी ना ब्रेकफास्ट लेके यहीं आ गई क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश थी। क्या कुछ लेके आई है ब्रेकफास्ट में? ओहो, कितनी अच्छी अच्छी हेल्दी हेल्दी रोटियाँ, हरी सब्जी, हरी सब्जी के ऊपर से घी, और साथ में ये कद्दू की सब्जी ना, तो काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इतना सुंदर ब्रेकफास्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो फटाफट दवाई खाओ और फिर ब्रेकफास्ट करो, सॉरी पहले ब्रेकफास्ट करो फिर दवाई खाओ। पहले ब्रेकफास्ट शुरू कीजिए। तो मोहित सेठ भी लग गया ब्रेकफास्ट करने में, मोनिका भी लग गई, लेकिन एक किसी इंसान की कमी खल्ली है। किसकी खल्ली होगी? नो, दीदी की। यस, दीदी की कमी खल्ली ना। दीदी को फोन करो ना, फोन करके बोलो फिलहाल बारिश में वहीं रहना, आना मत। क्या कर रहे हो मोहित? क्या कर रहे हैं? कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं? यार बारिश तो रुकी नहीं रही, आज इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा राइटिंग में इम्प्रूवमेंट कर। मोनिका, आद्या तो नहीं पढ़ रही? क्या पढ़ रही? ये क्या है? और दीदी, दीदी नहीं आई अभी तक? आई नहीं अभी तक? चलो दीदी को लेने चलेंगे। मोहित ब्लैक टी पिएगा क्या? थोड़ा सा पी ले यार, थोड़ा सा। बाहर भी यार बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही आज। अरे साथियों, आपका भाई ना आज घर पे बहुत ही बोरिंग हो गया है, बाहर बहुत बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, और मैं तो बोर हो गया हूँ, सोच रहा हूँ क्या करूँ। तो मैं सोच रहा हूँ पॉली हाउस के अंदर चलता हूँ, वहाँ क्या कुछ सब्जियाँ उड़की वो आपको दिखाता हूँ,
और कुछ शेयरेबल नॉलेज होगी तो वो भी आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा, तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और थोड़ा आप लोग भी जो बोरिंग हो रहे हैं आप लोगों की बोरियत भी दूर हो जाएगी। तो सीधे मिलते हैं इसके बाद पॉली हाउस में। प्यारे साथियों, आपको दिखाते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य। मैंने अभी भी छाता ओढ़ी हुई है क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, और अब जाकर जब सूर्यास्त होने वाला है, शाम का वक्त है, तीन रात और तीन दिन की भारी बारिश के बाद अब सूर्य देवता अस्त होने को आए हैं, तो तब जाकर सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं। देखिए, और बारिश भी लगी हुई है, तेज़ हवाएँ भी हैं, तो काफ़ी अच्छा दृश्य है। तो देखते हैं बाकी के लोग कहाँ हैं। क्या कुछ हो रहा है। सोए हो सब लोग? आद्या ऐसी शैतानी करते रहोगे। मोनिका, पिछले दो दिनों से आराम नहीं किया था वहाँ? क्या जो भी सोई थी, भाई भी सोया है? तीन दिनों से ना यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आसपास पूरा कोहरा लगा हुआ था, काफी तेज बारिश थी, तो सब कुछ अदृश्य हो गया था। लेकिन फिर से तेज हवाओं के बीच और सूर्यास्त के वक्त का दृश्य काफ़ी सुंदर है। और आपका भाई कुछ देर के लिए सो गया था क्योंकि काफ़ी बुखार आ गया आज मुझे, ठंड भी काफ़ी तेज़ हो रही है इस वक्त। तो सीधे आपको ले चलता हूँ पॉली हाउस के अंदर, कि काफ़ी बेलदार सब्जियाँ भी होने लगी हैं जिनमें ककड़ी है, ककड़ी सैलेड के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी अभी होने लग गया है घरों में थोड़ा बहुत। तो इस तरफ वाली हाउस में हमने डाला हुआ है प्याज का बिनोड़ा, यानी कि प्याज की नर्सरी, और जो कुछ ही दिन में तैयार हो जाएगी और इससे स्प्रिंग ऑनियन भी बन जाएगा और साथ में फल देगा, तो प्याज भी तैयार हो जाएगी। और इस बार के सीज़न में ना जो बेलदार सब्जियां हैं वो काफ़ी लेट से तैयार हो रही हैं, तो यहाँ लौकी की बेल तैयार हो रही है। तैयार होने वाली, यानी सरसों का साग तैयार होने वाला है। देखिए काफी अच्छे पत्ते हो रखे हैं, कुछ एक पत्तों में हालांकि कीड़े लग गए हैं। इस बार के सीजन में कीड़े बहुत ज्यादा लगे और सब्जियां खराब हुई, सब्जी की खेती बहुत नुकसानदायक रही इस बार। तो अभी मैं हूँ इस वाले पॉली हाउस की तरफ और पापा हैं दूसरे वाले पॉली हाउस में। पापा लगे हैं वहाँ जो बैंगन के पौधे हैं उनकी मल्चिंग करने में, यानी उनमें जो ख़राब पत्ते हैं उन पत्तों की कटिंग करने में। तो मैं वहाँ आपको ले चलता हूँ और दिखाते हैं वहाँ किस प्रकार से पापा मल्चिंग करने में लगे हुए, यानी छटनी करने में लगे हुए ख़राब पौधों में जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है अनवांटेड, उसे रिमूव करने में लगे हुए हैं। तो सीधे चलेंगे वहीं। रेनबो दिखाई दे रहा, आ रहा हूँ। कहाँ है रेनबो? दिखाओ कहाँ है। वाह, कितना अच्छा दृश्य है, पूरा देखिए रेनबो, इंद्रधनुष। इस दृश्य को देखने के लिए अमूमन जब हम छोटे हुआ करते थे तो तरस जाते थे, और जब ये दृश्य दिखता था तो मजा आ जाता था। वाह, पूरा गहरा दिखाई दे रहा, सात रंग होते हैं ना इसमें, सात से भी ज्यादा रंग होते हैं। महान पुरुष मुझे बता सकता है कि इंद्रधनुष क्यों लगता है? बता सकता है कोई? मेरा खुफिया कैमरा आप लोगों के पीछे लग चुका है, बता दीजिए कोई बता सकता है? बारिश की बूंद सूरज की जो किरण होती है उन पे पड़ती है, तब इंद्रधनुष होता आता है। इन द सेंस, ये मतलब ये क्लियर आंसर नहीं है कोई। सब सेब ऐसा होता है कि हाँ, पराठे का सेब भी कुछ ऐसे ही होता है नहीं होता। वाह वाह, अब दीदी से कोई नाराजगी अब दीदी से नहीं है ना? हाँ, ये कितने प्यार से खिला रही दीदी, देखना। वाह, किसी की दीदी नहीं खिलाती इतने प्यार से, पता है, खिलाती है। वाह, व्हाट ए ग्रेट लव बिटवीन ईच अदर। ओए होए, ईटिंग फूड।
आज शाम को आप लोग किसकी सब्जी खाना पसंद करोगे? कौन सा है? प्रेम मंदिर है वो, प्रेम मंदिर, दिखा दिखा, प्रेम मंदिर है ना, में? हाँ। प्रेम मंदिर में गए थे ना। वाह, बहुत भाग्यशाली होता है वो जिसे यहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पता है आप भी उन भाग्यशाली लोगों में से हो जिन्हें प्रेम मंदिर देखने का मौका मिले। कहाँ है प्रेम मंदिर, चलो बताओ? मथुरा में। वाह, मथुरा में है। दरबार में 10 कबूतर बाग में बो रहे थे जा बाकी बचे ना। कबूतर बाग में पढ़ रहे थे पाठ। एक कबूतर उड़ गया। बाकी बचे 8। हम लोग उन्हें बताया नहीं किस चीज़ की सब्जी खाना पसंद करोगे आज? फटाफट डिसाइड करो ना, फिर बनाना भी तो है, लाइट चली जाएगी। फिर कद्दू की सब्जी, तो चलो कद्दू ढूंढने चलते हैं। अपना खुफिया कैमरा लेके, चलो अपना खुफिया कैमरा लेके चलते हैं वहाँ। कैसी बरात है दिखाओ, जीवो गरीब बरात। वाओ, ग्रेट व्यू। चलो खुफिया कैमरा देखने लेके चलो, ढूंढने चीजों को ढूंढने चलो, चलो फटाफट चलो। तो मेरे साथ कुछ गाइड चल ले गए हैं अभी, चलो फटाफट। ठंड हो रहा है जो पहाड़ी टोपी लगा दी है, ठंडा हो रहा है क्या? ठंडा हो रहा है। पहाड़ी टोपी, एक साथ दो टोपियां, इसका मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है। तो हम तो निकल चुके हैं मिशन पे, मिशन कद्दू है और उसे ढूंढने निकले हैं। क्यों दादा निकालेंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे? क्या लेके आए हो? ये दो रोटी किसके लिए लेके आए? क्या क्या बनाया, दिखाओ तो दिखाओ क्या बनाया। जैम ही है, जैम। दोनों रोटियों के अंदर जैम की फीलिंग की है। वाह, कितनी अच्छी लेयर है जैम की, दिखाओ। और खाते खाते चल रहे हो क्या? चलो ठीक है फिर, चलो ठीक। ठीक, चलो आराम से चलो, बहुत ज़्यादा गीला हो रखा है। देखिए हेलो गाइस, देखो ला गए थे कद्दू और हमारे पापा ने कद्दू काट दिया। आज हम लोग खाएंगे कद्दू, पापा ने हमारी डिमांड पे काटा है कद्दू। देखिए हमारे पापा ने आलू भी काट दिया। साथियों, शाम के वक्त ये है हमारे घर से खूबसूरत दृश्य। देखिए किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। मोहित, चलो यार रोटी बन गई, फटाफट रोटी खा लो, सब लोग थके हुए हैं दिन भर। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? क्या कुछ पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे। चलो फिर चलो। सी यू कुड कन्फाइड मोर इन हर
डायरी पेन नहीं पेपर। लोग कर रहे हैं शाम का भोजन, किस चीज़ की सब्जी है मोहित? कद्दू। कद्दू की सब्जी है। फाइनली बहुत देरी से इस बार कद्दू है, लेकिन अब थोड़ा बहुत हो गए हैं। तो सब लोग कर रहे हैं रात्रि का भोजन, और घरेलू चूल्हे में बनाया जा रहा है भोजन, काफ़ी स्वादिष्ट होता है। आद्या क्या कर रहे हो? रोटी बनाने का अभ्यास कर रहे हो, अच्छी बात है, सीखना चाहिए, हर काम सीखना चाहिए। क्या दही? दादाजी के लिए दही ले जा रही है। हम ले जा बड़े नहीं जामे पैने पैण हो ना, ये बरसात में ही नहीं दो, गर्मी कम हुई ना उमस से। हाँ ये रही बिल्कुल बेकार, कड़ी बन जाए कौन कर पूरा रोड कौन कर ये रही मोटा मोटा रोड। तनु खुशी मोहित है जगह की पंगा सूटी है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम। तो देखिए यहाँ एक महारानी कोने में बैठी हुई है, देखिए प्रकाश डालते हैं थोड़े से। है क्यों बैठे हो यहाँ, क्या बात, तपस्या कर रहे हो क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की तरह गुफाओं में जा जा करके तपस्या। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।